गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं से अलभर लाल लंगूर वज्र दे हदानों दमन जय 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 कपिसूम भल सुर हनुमान। एक बार जितने भगत जन जाते सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से इस मां बनभोरी वाली को मनाने के लिए बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाएंगे। मेरी आंखें बिल्कुल बंद है, मैं नहीं देख रहा हूँ, देख रही हूँ जोर पर विराजमान मां जो जैसी श्रद्धा से जैसे विश्वास से बैठा उसको वैसा फल मिलेगा और इसी कलयुग में मिलेगा। बिल्कुल सीधे हाथ उठा के बुलंद आवाज में जय घोष, सभी आंखें बंद कर लेंगे क्योंकि मन से आवाज उस बंदोरी धाम तक जा सकती है, मुंह से नहीं जाएगी। तो मन में उस माता रानी का दर्शन करो, माँ की उस मूर्त को मन में बसाओ और जयकारा उस माँ भवानी तक जाना चाहिए। बोली मन भोरी वाली मैया की साची दरबारी की, बोली बालाजी महाराज की। कहते हैं जो गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं और जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं और जो गलती करके ना गलती माने उसे शैतान कहते हैं और जो करे गलतियों पे गलती उसे मादान कहते हैं। सबसे पहले आए मेरे पूरे हरियाणा वासी जो हैदराबाद में जिन्होंने सिक्का जमाया है, सभी भक्तों को पंकज गोयल और छोटी सी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। राम का नाम लेना बहुत जरूरी है और हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी खास बात है, जब पहली बार किसी से मुलाकात होती तो क्या होता है, सुबह सवेरे क्या होता है, राम के नाम से हनुमान जी गिर गए, राम के नाम से खाटू श्याम जी गिर गए, हम तो फिर भी इंसान हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोली बन हरी होली मैया की, बोली सच्चे दरबार की। एक भजन पहले बालाजी महाराज के चरण में लगाएंगे, उसके बाद बनभोरी वाले के ओरिजिनल भजन गाएंगे। अभी मेरी कैसेट आएगी नेक्स्ट मंथ बनभोरी वाली माँ की महिमा, उस कैसेट से बड़े सुंदर भजन आप भक्तों के बीच में होंगे। हरियाणवी तर्जे जो आपने यूट्यूब पे डीजे पे सुनी होंगी बहु काले की, इसी से तरह सारी गावांगे क्योंकि स्पेशल मेरे को बुक किया भाइयों ने, विनय भाई, संदीप भाई, सुशील भाई की हरियाणवी बोलना है और हरियाणवी गाने हैं वो तो चाह मारा था इंग्लिश में बोला, देखो भाई ये देखो ये क्यों हो रहा, या मोबाइल भी बड़ी भूंडी बीमारी है जिसका लाग जाए समझ में अपनी आवाज पर, तो छोटे छोटे बड़का नवी मोबाइल चाहिए। एक ऐसा ही बंदा था वो तीसरी मंजिल पर चढ़ रहा, समझ में आती होगी, तीसरी मंजिल पर चढ़ रहा, मोबाइल में इतना तगड़ा बिजी नीचे आवाज आई, भाई राम फड़े तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया, नोकंदे उसने कुछ नहीं दिखा ऊपरे तो डांक मारी। जब तीसरी मंजिल पर था दूसरी मंजिल पर आया उसका याद आया उसका सो छोरी बोनिया, और जब दूसरी मंजिल पर था पहली मंजिल पर पहुंचा उसका
तो ब्याह को नहीं हो रहा था, और जब उसका सर तीमन धक्का लाया गया उसका याद आया उसका नाम राम फल भी को नहीं था। बेबे देखो तुम की एड दे रही जमा, यो मोबाइल तो आड़े रह जाएगा, एक यो भी लाग रहा देख मेरे सहमी दीवा तड़े अंधेरा कर रहा है, जोने को मैंने दिखता को नहीं उल्लू को नहीं भाई मैं बोल समझे दरबार की बालाजी महाराज की। एक हरियाणवी भजन उसके बाद हिंदी हरियाणवी पंजाबी राजस्थानी जिसे को मैं सारे सुनावांगे, टेंशन ना लियो कदे भाई हरियाणवी खातर बुक करे तो हरियाणवी सुनाऊंगा, टेंशन ना लियो पहला ले लो साढ़े पांच ले लो साढ़े पांच ले लो। सबसे पहले तो उस बालाजी महाराज को बुलाएंगे कि बालाजी महाराज तेरे भगता ने इस मां बन भोरी वाली का दरबार लगाया है तो एक बार तो आना पड़ेगा, और मैं क्या कहता हूं पहली खुशी मैं हरियाणा का, जो हरियाणा के हैं बिल्कुल सीधे हाल उठाओ और जयकारा लगाओ बोले बालाजी महाराज की। कौन कौन खुश है कि हमारी हरियाणा में पैदा हुए, मैं तो खुश हूं क्यों हरियाणवी बोलनी ने सुनने खातर हैदराबाद छोड़ो नेपाल में ऑस्ट्रेलिया में बहुत दूर दूर तक बुलाओ, हमारी हरियाणवी बोली इतनी मशहूर है हरियाणा लेना सारे पसंद करे, जो भाई ने बताया हरियाणा का दिल बहुत साफ हुआ है, हरियाणा का किसी का एड्रेस पूछोगे अथवा इसी उसका घर जाना है और हरियाणा में होगे तो उसको घर छोड़ के आओगे, और दिल्ली में पूछोगे राडा पूछन मेरा बड़े मैं चला कर केवरा पड़ोस मरण ना हो, क्योंकि दिल के सच्चे होते हैं फिर मुंह के कड़वे होते हैं। तो बालाजी महाराज को बुलाते कैसे बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठा कर ताड़ी बजा के नरेंद्र को से बोले बालाजी कीर्तन में आई हो कितला दी इतनी बार बालाजी की, तारा नंबर भी आओगे पहले इनका नंबर है, ये हरियाणा की है शेरणी देखेंगे कौन सी शेरणी हरी हसी बिरानी के है, बोलो बोलो बालाजी की रतन में आई हो कितला दी इतनी बार बालाजी। सन पर जोर दे रही है बता बोलिया नहीं जाता ये भाई बोलेंगे देश की नजर आइयो भाई बालाजी की रतन में आई हो कितला दी इतनी बार बालाजी शेर तो शेरे रहेंगे बिल्कुल सीधे हाथ उठा कर ताड़ी बजा के बालाजी की रतन में आई Thank you.
खुशी किसी ना हो रही है, मन तो लगता नहीं खुशी हो रही है, या देख सोच हो रही है ये बैठी बैठी सोचे से माता जी, ये बैठी बैठी सोचे से माता जी। और क्या करना है, दोनों था के हाथ बोल जे दादा जी, हनुमान जी का लरोड़ा मैं तेरा भाई इसका गड़ा मैं तेरा जुबान हो रही है, या तो एक नंबर का नाच है या श्रीदेवी की फिल्म में देखी थी मैंने, एक बार खड़ी हो जाओ, और फिल्म सिटी में देखी थी मैंने, देखी होगी बाकी नाचों को, एक बार खड़ी हो जाओ भाई, अंगूरी मान जा पतासो बतेरी गुलाबो यो चाड़ा कर दिया भाई, लोगो है रवान लग रही गुड्डी, मैं देखो गुड्डी बना है और देखा इस वर्गी पाई भैया है गुड्डी तो फिर हम तो हाए कोई वो काम कर दिया है ना। बोल सबसे दरबार की बालाजी महाराज की। अच्छा ये बताओ अब माता रानी के नवरात्रे लग रहे हैं, बेरा है किस किस ने मेरा हाथ हो, अच्छा भी नहीं बताओ बर्ती कौन कौन है हाथ बर्ती हिंदू से, एक बात तो है हाँ मेरी बेटे बर्ती है सुनीता, एक बात तो है हरियाणा मुंडे तो सारे बर्ती पावर आड़ा कहियो तो सी के ना बर्ती नहीं रहना पुतली होगी तुम्हें, है नी माँ के पावन नवरात्रों का इंतजार हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा माता बहनों को होता है, इतना तो ब्याह शादी का भी नहीं होता। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, एक साल में कितनी बार नवरात्र आते हैं, चार बार आते हैं, और सबसे बड़ा त्योहार इस माता रानी का है कितने दिन का होता है, नौ दिन का होता है, किसी भी देवी देवता को लो हनुमान जी एक बार हनुमान जयंती आती है एक साल में 7 अप्रैल को है शायद हमारा प्रोग्राम नेपाल में होगा, शंकर भगवान की 2 बार आती शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, सबसे बड़ा त्योहार इस माता रानी का जिनने 9 दिन दिए हैं और एक साल में 36 दिन दिए गए, तोड़कर ताली।
में तो उस माता रानी के लिए। और कौन कौन बुलाना चाहता है माता रानी को यहां पे, इन पावन नवरात्र में हाथ उठाओ और सब ने ताड़ी बजानी। बड़ी प्यारी तर्ज है, आप माता बहनों की तर्ज है, कौन सी तर्ज है? ले लो रे मैया का प्यारा नाम, कष्ट सारे मिट जाएंगे। और इन नवरात्रों में बुलाना तो कैसे बुलाओगे? ओ तेरे नौ दिन के त्योहार मैयारी मारे आने, मैयारी मारे आने, मैयारी मारे आने, मैयारी मारे आने। नू तो पड़ोसी भी सुनी आवे, नू बैठे को नू बैठे को पैर न पकड़े पास देखो नहीं पैर आड़े हैं, टेंशन ना ले वे, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ है और ताड़ी बजा के, और जिसका नाचने का मन करे नाचियो जरूर, मन धक्का को नहीं करो किसे गले, क्योंकि जिसके मन में श्रद्धा होती वही नाचते हैं। जिनका मन मनु है भाई इन कमेटी वाले जगराता करा कर भोजन को मिलेगा, जुन से माता के भगत में तो अड़े बैठे नहीं तो सारे जालिए खखा का देखा कमरा डर आज आरा तुम आ रहे थे अरीब देख बेचारे दो सलाई सर के वे सिर्फ खान खा कर रहे थे खान पर मरे रहे सर। इस माता का मरकर देखो या माता सब कुछ देगी। एक समय था मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरी शादी होती मैं हैदराबाद आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस टाइम घूमने के लिए आए थे हम, कुछ भी नहीं था, और आज इस माता रानी की दया से मेरा सब कुछ है, सिर्फ इस माता की कृपा है। और जिस पर इसकी कृपा हो जाती है ये वारे न्यारे कर देती है। एक समय था मैं सोचता था कि मेरे पति को जागरण करवाऊंगा, समय था, और आज इस माता रानी की कृपा है कभी और दया है भाइयों की, और मैं एहसान मानता हूँ भाइयों का कि मेरे को इस लायक समझा कि मेरे परिवार में गाने का मौका दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ कमेटी के लिए। और इस माता रानी को बुलाते हैं, बिल्कुल सीधे हाथ उठा के नाचेंगे जरूर जिसका मन करे, अदरवाइज किसी को नहीं बोलूंगा कि ब्राह्मण सिंह सोचा मेरे वर्गी हो जाएगी, मेरे वर्गी होने खातर नाचना पड़ेगा, मैं नच नच के सौर अंदर तो मैं भी नू पाऊ। बिल्कुल सीधे हाथ उठा कर क्या ओ तेरे नौ दिन के त्योहार मैयारी कर आ जाइए।
एक वजन की फरमाइश करी हमारे प्रधान जी ने, मेरे सारे लाड ये ठाठ, मेरी मां बलभोरी वाली ने कागे प्रधान जी जिन्हें फरमाइश करी है, मैं आई तेरे तू चढ़िया मंडेरे, वो एक काम कर दिया, फिर वो को नहीं गाऊं क्योंकि उस तर्ज को मन ने लिख दिया था, के लिखा बन भोरी आड़ी मां तेने कर दिए वारे न्यारे, तने कर दिए वारे न्यारे, हम पूजा तने सारे, जिसके इस माता रानी वारे न्यारे करे बिल्कुल सीधे आठ हो, अंगूरी सोच सोच का ठावा है, माता रानी ने किन किन के बारे नारे करे हाथ खाओ, आप के नहीं करे, ओ बटे यो मारा जीजा है, तेरे तो वो बारे नारे हो गए थे, कितनी सुतरी विद्या की मारे तेरे, बता तेरे भाग जागे, हाँ बिल्कुल सीधे हाथ खबर क्या बन भोरी आड़ी मां
सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की, बनभोरी वाली मैया की, ए ताई अमूरी पतासो नैडला नगरी 10 किलो का सिर छोटी जी भी ला ले बोल सच्चे दरबार की। चौथा दरबारी, चौथा दरबारी मैया का दरबार सुहाना लगता है। अरे रमलो बैठ जा, इसने साथ में ले तो आ जा मेरे भाई, आ जा तू नाचे बहुत बढ़िया धर्मेंद्र की ढाल, मेरा हुआ धर्मेंद्र ऊपर नाचा करता, हाँ नू नाचा करता, बस इन्हें नाचे हो बेचारा, एक बार दिखा दे तेरा डांस। अच्छा नू बताओ इसका डांस कौन कौन देखना चाहो, आप आओ एक बार, इतने फैन तो सपना के भी कोनी गार्डन जोगे, नाच कर दिखा दे एक बार, बहु काले की लड़ी एक बार, बहु काले की लड़ी। सोया भाग जगा दिया माने, होगी बात कति साले की, न्यू कैरी थी बहु काले की। किस किस ने सुनिया गाना, ये गाना किस किस ने सुनिया, की देते आपने सुनिया नहीं, ले भाई आपने सुना है, तन्ने भी नहीं सुना, बोटियां निकाल दे बोटियां निकाल दे, पहला ले लो, पहला नहीं, ये हो काले की बहू, मैं
साथ ही कर रहा इसका, नहीं तो इतनी देर में तो लौट जंदा रहा। देखी मैनू करा मैं को नहीं नाचू देख। अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे नाचूंगा, ऐसे नाचूंगा। कैसे नाचेगा? ऐसे नाचूंगा। सोया भाग जगा दिया माने, सोया भाग जगा दिया माने, ओही बात कती सारे की यूं पैरी की मुखारे की। नुगर पहले तू नाच, साथ में नाचे भाई, साथ में आ जाओ दो चार जने, मैं भी नाचूंगा फिर। और ताली बजा के वन टू थ्री। सर बढ़ जाएंगे सभी, बोलो जय माता दी, जय माता दी। जाता की बोले जय माता दी, जय माता दी। तार तक इन्हों दो मेरे पड़ेंगे, तां भी बोलो बोलो जय माता दी, जय माता दी। हाँ जय माता दी, जय माता दी। हमारी कई गरीबी सुख आ गया, हमारी कई गरीबी सुख आ गया, जिसकी गरीबी इस माता ने दूर गई। आ जाओ मेरी तो गरीब है, सच्चाई भाई मेरी गरीब है भाई, मैं बहुत गरीब था, ये अमीर कौनी। एक मेरा दोस्त है रामकेश जी, उनके लिए जिसने गाना गाया था, कौन सा गाना लिखा था, अट जाता उपाक्षे ने, सबने सुना नहीं, आठव जी से जी ने सुना है। वो हमेशा एक बात कहता है, इस संसार के अंदर कोई भी कलाकार नहीं है, कोई न को मैं इतना बड़ा कलाकार, मैं इतना बड़ा कलाकार, मैं 50,000 लू, मैंने 2,00,000 लू, मैं 5,00,000 लू। अरे इस संसार के अंदर कलाकार है तो ये है जिसने इतनी सारी दुनिया बना दी, किसी की शक्ल मिलती को नहीं। कलाकार तो यह है हमारे से काम बांट लिए, मेरा गाने का काम, इनका बजाने का, इसका साउंड लाने का काम, आपका सुनने का काम,
किसी की जूतियां की दुकान है, वो सिर्फ शर्म है। ये मसूचे हम कलाकार है, मैं कभी अपने आप को कलाकार नहीं कहता। अरे माँ चाहे तुमने कितने ऊंचे ले, मैं कलाकार नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ आपका सेवक रहूंगा। जो इसके सेवक बनना चाहते बिल्कुल सीधे हाथ उठा कर क्या तुम्हारी कई गरीबी सुख जितने कलाकार सारे के हैं, लेखक है, पुराना एक भी गुणी बदन पावे, जितने मैं गाऊंगा सारे ना ये पाऊंगे तारा खातर, यदि गारंटी है। अब कोई पुराना बदन गाया मैंने बता दो, एक भजन पराना गाऊंगा और सारे नए गाऊंगा। और क्या एसी आली गाड़ी में चला, जिस पे हो जाती है ये वारे नारे का
ہوں اس نے کو نہیں کہنا اس نے کہہ رہا ہوں یہ دو سال کا ہوتا بول سچے دربار کی میں نردھن تو سیٹھ ساورا हरियाणा की परविंदर पलक ने गाया है और नरेश नरसी जी ने लिखा बड़ा सुंदर भीम सेन जी ने लिखा है ना कौन कौन है श्याम बाबा के भगत हाथ उठाओ अच्छा मैंने एक सवाल पूछा था याद आ गई मेरे को हाथ नीचे करो एक बार मां बनमोहरी वाली पाथरी वाली गुड़गांव वाली शीतला रानी ये सात देवी है ये किन के गाने से धरती में उतार लिया था ये बताओ मेरे को किसके कहने से लिया था भाई शिव जी के और पूरे भगवानों के ताड़ी बजाओ इस भाई का तरवी नु है लोहा धोरा बात ला दी जितनी भी ये देवी हैं सारी कृष्ण भगवान की भगत हैं ये ध्यान रखना आप लोग और इस माता का इस साइड में इस साइड में ना तो हनुमान और ना भैरव याद भी ध्यान रखियो आप कभी बनमोरी जाते हो ना हम तो जमा खुले दर्शन करा हाँ इस माता की कृपा है क्यों यह ड्रेस पर तेन सोचो हुकलाकार है आने पितरे अजय भाई तो क्यों वो बनभोरी वाली माता का मंदिर में एक तो रमेश पंडित जी ओ सीएम मित्तल साहब इनकी बदौलत है नुका देंगे आजा तू तो हमारा कलाकार भाई है फिर मैं कहता हूँ भाई मैं कलाकार कौन ही मैं तो सेवक हूँ बस दर्शन करने माता रानी की जब मैंने पहली बार इस माता के दर्शन करे थे तो माता से सिर्फ एक प्रार्थना करी थी माता रानी तेरे नाम का गुणगान तेरा धाम पर करना है चाहे कुकरे करवा सिर्फ एक भिन्ना का भीतर उसका सेम्यवाणी धर्मशाला गुलाबी गुलाबी माता का गुणगान करने का अवसर दे दे इस माता रानी ने सच्चे दिल से ध्यान कर देखो पैसे की भूखी नहीं है कुछ लोग क्या करते हैं पैसा फेंकते हैं ये पैसे की भूखी नहीं है और ऐसे कभी नहीं फेंकना चाहिए भिखारियों को फेंकते हैं ये भिखारी नहीं देने वाली है ना तो ताड़ी बजाओ इस माता रानी के लिए सच्ची है ये माँ और सबकी सुनती है बोल सच्चे दरबार की मैं निर्धन तू सेठ सावरा के फायदा इस यारी का पता कद तारा खुल नू तो भाई ताड़ा के संगल भी को नहीं खुले खड़े हो जो और श्याम बाबा के चरणा में नाच के हाजिर आनी सब ने चाहे चश्म्याणा और चाहिए चश्म्याणा चाहिए और सारे चश्म्याणे कुकर इकट्ठी होगी वो जो खड़े एक बार जो श्याम बाबा को मानते एक बार खड़े हो जो श्याम बाबा भी श्याम कृष्ण भगवान के भगत थे उनके कारण उनका नाम श्याम पड़ा था ना बिल्कुल खड़े होके सब ताली बजाएंगे आप भी हो जो खड़े पतले हो जाओगे मेरे वर्ग का फिकर हो जाएगा हो जाओ खड़े ताई हो जाना है ये बुआ हो जो और ताली बजा के क्या मैं निर्धन तू सेठ सावरा के फायदा इस यारी का
दरबार की और सच्चे दरबार की शाम प्यारे की हारे के सहारे की। बैठ जाओ सभी जो पीछे खड़े हैं जाने के लिए, जिन्होंने खाना खा लिया वे जाने की तैयारी में है ना, बैठ जाओ एक बार सभी। ऐसी रचना सुनाऊंगा आपका मन करेगा कि अगली बार जगराता होगा तो ये छोर है ना जरूर बुलावांगे। और मैं तो एक प्रार्थना और करूंगा सभी से, मैंने सुना है अब की बार दो जागरण हुए इस माता रानी के, दो मंडल बना दिए। अरे हरियाणा में तो प्यार होता है, हरियाणा वैसे हरियाणा वासी ऐसे कैसे कर रहे हैं, अलग हो गए अलग हो गए। मेरे को मत बुलाना आप चाहे, मगर सारे इकट्ठे होकर जागरण करा करो, मजा नहीं आ रहा इस माता रानी का। जितना प्यार इकट्ठे में है मेरी तरफ से। उसके बाद साईं बाबा की बड़ी पावन झांकी है कि उसके बाद मेरे बड़े भाई हमेशा हम इकट्ठे रहते हैं अनिल भारती जी और मैं, ये पेशे से म्यूजिक टीचर हैं और इस माता रानी ने कंठ ऐसा बख्शा है कि सारे भी बोर हो जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की, लखदातार की, तीन बाणधारी की। सभी बैठ जाओ, हमें नाचने का बदलने का। मेरे गुरुदेव कहते हैं बेटे जागरण के अंदर ऐसी रचना गाओ जिससे लोगों को पता लगे इस संसार में क्या हो रहा है। इस संसार के सबसे बड़े भगवान, जब जब धरती पे भगवान ने अवतार लिया, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे श्री रामचंद्र भगवान हो, उनका किनका सहारा लेना पड़ा? उनको माँ बाप का, माँ पिता का सहारा लेना पड़ो। आज उस माँ बाप की इतनी रेले माटी, इतनी वीरान माटी हम जैसे लोगों ने कर रखी है। एक बार सभी बैठे, बैठ जाओ सभी, शोर ना करें। जय माता दी। अभी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो सभी एक बार दरबार की तरफ देखें। हमारे बीच में प्रदीप भाई अग्रवाल हमारे भाई हैं। इस जागरण की पूरी व्यवस्था, यहाँ का प्रोग्राम सारा ही प्रदीप भाई के देखरेख में हुआ है, जो इतना सफल आयोजन हुआ है। सभी से निवेदन है एक जोरदार तालियां प्रदीप भाई के लिए। जय माता दी। प्रदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। क्या बात है, ये हरियाणा वालों की ताड़ी धोने लगी, हरियाणा वाले तो इसने पाड़े देंदे तड़ियां गले। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ के सुनेंगे इस भजन को, और भजन को सुनोगे तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी, लिख के देता हूं मैं गारंटी समेत। बोल सच्चे दरबार की। इस भजन के बाद, इस भजन के तुरंत बाद झांकी आएगी साईं बाबा की। उस एल्बम से जो पहला भजन मैंने जिंदगी में गाया था वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के लिए गाया था। इस संसार में सबसे बड़ी दौलत है वो माँ बाप, जिनको लोग शादी होते ही भूल जाते हैं। शादी से पहले तो माँ बाप होते हैं, 6 महीने शादी को नहीं होते माँ बाप बुरे लगने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या होता है, है ना। और बड़ा सुंदर भजन है पांचवें से जी। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुवैया दे, पहले
साईं बाबा की झांकी लेंगे, उसके बाद ये भजन जरूर गाऊंगा मैं, क्योंकि पहले साईं बाबा की झांकी जरूरी है, क्योंकि बेचारे गर्मी में मर रहे हैं। जाएगा नहीं, जिनको जाना जाओ भाई, यदि माँ बाप से प्यार करते हैं तो नहीं जाएंगे, और जो माँ बाप के जमा तकड़े दुश्मन है, गाड़ी बाहर खड़ी है, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, गलेंगी बेसन जाओ आमनी रोकने वाले, वो देख लियो तारी मर्जी है, ओला भी खड़ी है भाई, हाँ वाह ओला भी एंडी सोता हुआ है, मन तो ये बेरा लग गया, ये जगराते करण जाऊं नहीं, मैंने सोचा करता मन कौन लेना होगा, आजकल तो वो चला दिया ओला रेक अबर यूपर की उसे होता हो, उसमें बैठे रगड़ा का जगराता में पहुंच गई, ना गलन है दुखी कर दे ना माम दुखी होते है ना। तो पहले पड़ी पावन झांकी साईं बाबा की आपके भक्तों के बीच में आएगी, उसके बाद ताई की मनपसंद भी जरूर गाऊंगी गाऊंगा, मेरा कहता है मेरी ताई ने कहा है, दे दे ने मन ने भाड़ा, दे दे ने मन ने भाड़ा, मन भोरी धोकण जाऊंगी, तू दे दे मन ने भाड़ा। तो इस भजन के बाद बड़ी पावन झांकी आ चुकी है, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, बोल सतगुरु साईनाथ महाराज की, सच्चे दरबार की, शिरडी के साईनाथ महाराज की।
वर्ष के हम जैसे इंसानों की क्या औकात है। श्री रामचंद्र ने माँ बाप के एक जुबान पे कहने से 14 वर्ष का वनवास तय कर दिया था। आजकल के बच्चे 14 मिनट का वनवास नहीं लेंगे, 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। एक आदमी ने बहुत तगड़ा घमंड हो जाए अपने आप के ऊपर, कहता है माँ मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा। माँ बोली, बोले बेटे माँ बाप का कर्जा तो आज तक वो भगवान नहीं चुका सके, तेरी औकात के है। माँ ते जिद करने लग गया, माँ ते बोला माँ तेरा सारा कर्जा उतारूंगा। माँ बोली, बेटे तेरे में ये घमंड है तो एक काम कर, शमी ईंट पड़ी ईंट खा ला, वो छोरा ईंट खा ला वह 3-4 किलो की ईंट होती है, इसका फल तो नहीं होती। ईंट खा ले, माँ अपने सिर पर चुन्नी तार का छोर ने देते हैं। माँ बोली, बेटे इस ईंट ने तो चुन्नी में बांध ले, वो छोरा उस ईंट ने चुन्नी का बांध ले है। माँ तो बोलिया, बोल क्या करना है। उसका वो एक घमंड कि मेरे पास कोठी है, मेरे पास बंगले, मेरे पास गाड़ी है, क्या तेरे का एक जन्म दिया तूने, क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे माँ बाप ने तो इतना पाला है तेरे को, आज तेरी शादी होगी, तेरे पास सब कुछ होगा, तो सिर्फ माँ बाप की दया है बेटे, तेरे पास कुछ नहीं होता। तो माँ से जिद करने लगा, तो माँ बोली, बेटे तू एक काम कर, इसने अपना पेट का बांध ले, वो छोरा उसने 1 घंटा पेट का बांध रखा है, 2 घंटे पेट का बांध रखा है, 3रा घंटा उसने बोझ ला गया है। उस माँ ने तो वो 9 बिन्ने गर्म मर रखा है, वो तो 9 घंटे तक नहीं रख सके। क्या लिखा बोला, माँ बाप का कर्जा रखेगा। अरे उस माँ बाप ने तुम्हारे को कट्ठा पाला है,
अरे कम से कम बुढ़ापे में इनको अलग तो मत करो, क्योंकि इस जीवन का दस्तूर है कि जीवन में साथी है तो ओनली फॉर धर्म पत्नी मियां बीबी, और संसार के अंदर कोई साथी नहीं है किसी का भी। लिख के देता हूँ, कोई किसी का नहीं, आज के जमाने में कोई किसी का बेटा नहीं है, क्यों धन होते ही माँ बाप बुरे दिखने लग जाए हैं। औलाद चाहे कितनी भी निकम्मी हो, चाहे कितनी भी गंदी हो, माँ बाप हमेशा सोचेंगे मेरे बेटे का धन हो जाए, दौलत हो जाए, कभी भी बद्दुआ नहीं देवेंगे। और यदि माँ बाप ने बद्दुआ दे दी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको उस बद्दुआ से बचा ले। क्या लिखा,
कार्यक्रम देख रहे हैं ये हमारे BRS राजस्थानी चैनल पे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। क्यों सर, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये जो सारा कार्यक्रम है ये पूरे देश में देख रहे हैं, हमारे हरियाणा वालों ने इसको शेयर भी कर रखा है। बोल सच्चे दरबार की एक और एल्बम आई थी मेरी 2017 के अंदर, 2017 में एल्बम रिलीज हुई थी दिल्ली के अंदर वीर नगर के अंदर। उस एल्बम से एक भजन और रखूंगा, किन के लिए, उन बेटियों के लिए जिनकी कारण हम लोग हैं इस संसार के अंदर। यदि बेटी नहीं होती तो ये सारा संसार ना होता। बोल सच्चे दरबार की, अपनी अपनी बेटियों की, इस माता रानी के दर पे चले जाते हैं, इसके नाम के व्रत रखते हैं। हाथ उठाओ जो इस माता रानी के व्रत रखते हैं, हाथ उठाओ। व्रत रखते हो? नंगे पैर व्रत कौन रखता है? जो नंगे पैर व्रत रखता है, अच्छा ये रखते हैं। अच्छा माता कहती है बेटा तू नंगे पैर रह आकर, है ना। माता रानी कभी नहीं कहती कि तू नंगे पैर रह, माता रानी कभी नहीं कहती तू सारा दिन भूखी मर। मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, बेटे एक व्रत के अंदर एक ऐसा अपराध छोड़ दो जो इंसान को भी नहीं भाता और भगवान को भी नहीं भाता। चाहे सारदन खाए जाओ माता रानी फिर भी देगी। मैंने बतेरे व्रत रखे, 41 दिन कमरे में पैक रहा हूं, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। और वे व्रत मेरे ताऊ ने भी करे थे हैदराबाद, हाँ उसने भी करे थे व्रत। ये मैं कोई व्रत नहीं करता, सिर्फ मेरे गुरु देव कहते हैं कि जागरण में जाकर ऐसी ऐसी शिक्षा दे जाकर तेरे नाम के ये व्रत ऊँह लाके जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की, जो इस माता रानी के धाम पे जाते हैं और बेटियों का अनादर करते हैं तो कोई फायदा नहीं इस धाम पे जाने का और उस माता रानी को माता कहने का। आप वैष्णो देवी चले जाओ, वहां पे तीन देवियां हैं। किसका रूप है? बेटी का रूप है। और बेटियों को हम जैसे लोग मरवा देते हैं और फिर बनिए के बड़ा के होंगे, हमारी कस्टमर घना हो रहा है कि मारा छोरा का ब्याह करवा दे, ब्याह को नहीं होता। यदि बेटी नहीं बचाएंगे तो बहू कभी नहीं ला सकते। हमारे जींद शहर के पास गांव है बीबीपुर गांव, नाम भी सुने होगा किसी ने, और बीबी पर क्या हड़े भी रहे हैं। बीबीपुर वाले ने एक अभियान चलाया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। वो अभियान हमारे देश में नहीं है। नेपाल जब मैं 18 अप्रैल को प्रोग्राम में गया थोड़ा बैनर लग रहा के लिख रहा के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक बार जोरदार ताली हमारे हरियाणा के लिए जिन्होंने ये अभियान इतनी दूर पहुंचाया। उस बेटी के ऊपर बड़ा सुंदर भजन है। आजकल एक बीमारी चली हुई है जिसका नाम है अल्ट्रासाउंड नाम की मशीन, जिसे पता चल जाता है कि कोख में पल रहा बच्चा बेटी है या बेटा है। बेटी तो हमारे जैसे लोग उसने मरवा दे, हर बेटा है तो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि इसके भगत हैं तो कभी मत करना ऐसा घिनौना काम। जिनके घर में बेटी नहीं उसके घर के अंदर कभी लक्ष्मी का वास नहीं। जब मेरी शादी हुई थी मेरे पास कुछ नहीं था, जब पहली बेटी हुई मेरे पे बेड बिस्तरे टीवी और ये सारा सोता हो गया। और जब दूसरी बेटी हुई मेरे पास खुद का प्लाट हो गया, अरे 10 तारीख ने चिनाई लाऊंगा और घर का मकान भी हो जाएगा। सिर्फ बेटियों की दया है और किसी की दया नहीं है। और जितना प्यार मैं मेरी बेटियों से करता हूँ मैं किसी से नहीं करता पूरे संसार के अंदर। मेरी बेटियों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी कहें। यदि 12 बजे नो कहेंगे नहीं पापा जी मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं दूंगा। क्यों? मेरे गुरुदेव कहते हैं बेटा बेटियां हमारे पास कितने दिन रहती हैं? 20 से 25 साल। आगे पता नहीं उनको कैसा पति मिलेगा, शराबी मिलेगा, कबाबी मिलेगा, मेरा निकिसा मिलेगा, उसकी मन की इच्छा ना पूरी हो है। तू ईब उनकी इच्छा पूरी कर दे, कम से कम अपना बाप ननू तो याद रखेंगी, हाँ मेरा बापू सब की मैं करा करता मेरे खातर। तो बेटियां महान होती हैं, बेटियां इस लक्ष्मी सरस्वती का अवतार हैं बेटियां। बोल सच्चे दरबार की, एक ऐसी औरत अपनी कोख को जुड़वाने के लिए, अपनी बेटी को मरवाने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। जब डॉक्टर के पास इंतजार करना पड़ जाता है तो उसकी कोख में से उस नन्नी सी जान की आवाज आती है कि माँ माँ मैं अभी संसार में नहीं आई और तू मेरे को मरवा देना चाहती है, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया तू मेरे को मरवा दे। यदि मेरी नानी ने तेरी माँ ने तेरे साथ ऐसा किया था तो आज मेरे को दिन नहीं देखना पड़ता। तेरी माँ ने भी तेरे को जाया, तू भी मेरे को जा। वो बेटी रोती हुई कैसे पुकार करती है? पर सच्चे दरबार की
पांचवा जी सारे तीर थाम पांचवा जी सबने ताली बजानी वजन के ऊपर मेरे लिए नहीं बोल रहा इस माता रानी की अपनी अपनी बेटियों के लिए बजानी है क्या मत ना गर्भ में मारिया दुनिया देखने दे मत ना गर्भ में मारिया दुनिया देखने दे Thank you.
मंगेशकर को, जिसने पूरे भारत का नाम पूरे देशों में विदेशों में रोशन किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री यदि बेटियों को मरवाते रहे तो कहां पैदा होंगे हमारी ये बेटियां। और सबसे आगे पढ़ाई के अंदर बेटियां हैं, आजकल बेटे नहीं पढ़ते, 8 पढ़े 10 पढ़े, जय माता दी। और बेटियां सबसे ज्यादा पढ़ती हैं। एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। सबने मीठी मीठी ताली बजानी और क्या, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, हनुमान के बिना, राम जी चले ना 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 हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। श्री राम के बिना, राम जी चले ना।
सच्चे दरबार की, बोलिए श्याम राम चंद्र भगवान की। अब दो भजन गाएंगे मेरे बड़े भाई अशोक गोस्वामी जी, बड़ा अच्छा गाते हैं। बनभोरी वाले के दो भजन गाएंगे, एक तो गाएंगे लिखा था इन्होंने, इनके छोटे भाई ने लिखा था कि ना गिन के ना माप के ना तोल कह देगी, बनभोरी आड़ी मात आज दिल खोल कह देगी। बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, आओ।